बातें बातों में ही जो है कढ़ाई रेडी हो गई, बातों बातों में ही हम खा लेंगे। फातिमा ने आपसे आगे पूछा था कि आपकी बादाम जो है ये कढ़ाई कैसे डालने वाली है। चलिए आप लोग वेट करें, मैं आता 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग साहब? मैं हूं आपकी शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं तैमूर जुनेद जमशेद। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? फरा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप सब देख रहे हैं जज़ा कुक बुक सीजन 3। आज की सेलिब्रिटी जो है वो बहुत ही एक अच्छा कपल है, बहुत ब्यूटीफुल सा कपल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मजीद जो है तैमूर बताएंगे, क्योंकि तैमूर के जो वो क्लोज फ्रेंड है, नामवर, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत नामवर नाम है। और बहुत, जिस तरह फरा ने बताया, बहुत एक स्वीट कपल है। तो हम वी वांट टू वेलकम कंवर अरसलान एंड फातिमा अफंदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आप इतने मसरूफ रहते हैं माशाल्लाह से, आप शूट पे इतना मसरूफ रहती हैं और आपका अपना बिजनेस भी है, शूट्स भी होते हैं, आपने अपने टाइम दिया। जहाँ पे खाना होता है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। आप लोग आने वाले थे क्योंकि आपका फूड से बहुत ताल्लुक है, आप लोगों को खाने खिलाते भी हैं, तो मैंने और तैमूर ने सोचा क्यों ना आपके टक्कर का तो नहीं कह सकते, आपके बराबर का हम कुछ खाना बनाए, तो कराची वाले उनके लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, वीकेंड्स पे दोस्त यार जो है स्पेशली जाते हैं। ऐसा ही है हाईवे पे जाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हाईवे पे क्या खाना हम पसंद करते हैं? वहाँ तो कढ़ाई चलती है, बिल्कुल कढ़ाई खाना पसंद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी हाईवे स्टाइल ढाबा कढ़ाई। तो चले जी, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी और बातें भी साथ में करते जा रहे हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ नीचे, और बहुत ही आसान सा एक इसका। वैसे घर पे आप लोगों के यहाँ कौन कुकिंग करता है, आप लोग दोनों मिलके या? वैसे तो अगर सच बोलें तो कुक है जो हमारे पास, क्योंकि हम दोनों वर्किंग है, वो कुकिंग करते हैं। लेकिन ऑफ डेज के अंदर हम दोनों ही नहीं, बल्कि हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो भी किचन में होते हैं। अच्छा। क्या बात है, सब मिलके कुछ ना कुछ कुकिंग करके। अच्छा, फ्यूचर में आपका जो रेस्टोरेंट है वो सबको हटा के फिर आप लोग ही करेंगे, बच्चे आप लोग ही नहीं, हम खाएंगे। मुझे कुकिंग बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है और बड़ा मजा आता है कुकिंग में। और जो जिस तरह आप लोगों के ये रेडी स्पाइसेस हैं, तो कुकिंग बहुत आसान कर दी है, बहुत आसान कर लिया, बहुत अच्छी क्वालिटी। जैसा कि मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आपने जैसा ग्लोबल के आपने सारे फूड्स आइटम अपने घर पे लेके आने हैं, ड्राई फूड्स है, फ्राइड अनियन है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, बहुत बड़ी रेंज है, हर चीज आसानी से आपको मिल जाती है। आप इसको लेकर आए और प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ मुझे भी तैमूर आए थे, कह रहे फरा कढ़ाई तो बना रही हो ढाबा स्टाइल की, तो ये ड्राई मसाले कहाँ है? मैंने बोला भाई हमारे पास जब कोयला कढ़ाई का रेसिपी मिक्स हमारे पास है, पूरा पैक है, तो हमें जरूरत ही क्या है किसी और ड्राई मसाले की, जरूरत ही नहीं है कि आप सारी चीजें आप कैबिनेट खोले हैं तो आप हल्दी डाल रहे हैं, तो आपने गरम मसाला ऐड करना। और फातिमा ने आपसे आगे पूछा था कि आपकी बादाम जो है ये कढ़ाई कैसे डालने वाली है? अच्छा, मैंने कहा कोई स्पेशल कोई ट्विस्ट है, जैसे ब्लेंड करके डालते हैं कैश्यू नट पेस्ट या आलमंड पेस्ट डालते हैं टेस्ट के लिए किसी चीज में, जैसे कोरमे में या वैसे भी शाही पनीर वगैरह में? वो आपने पूछा था, रेसिपीज देख रही थी, बादाम वाली कढ़ाई। ये कढ़ाई मसाला है, कोयला कढ़ाई मसाला, खुशबू कितनी अच्छी आई है, बहुत ही एकदम से, बहुत ही एक जबरदस्ती खुशबू, ऐसा लग रहा है कि जैसा ग्लोबल का हमने ये मसाला डाला है, कोयला कढ़ाई। अच्छा, आपने इसके अंदर डायरेक्ट कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया? बिल्कुल ऐड कर दिया। अब सारे मसाले आप इसमें बुनाई करें, हम वन बाय वन ऐड करेंगे। हमारे पास ये तकरीबन मीडियम साइज के आधा किलो टमाटर है, हाँ बस आधा किलो। आप देखिए जैसा ग्लोबल का एक जो एम था वो ये नहीं था कि हमें सिर्फ मसाले ही इंट्रोड्यूस करवाने हैं, एक ईमानदारी, जैसे जुनेद भाई की एक ईमानदारी, उनकी जो एक वो था ना कि हर चीज़ जो है आपको ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुँचानी है, वो पाकिस्तान के लोग हो चाहे पूरी दुनिया के लोग, वो अपने समझते हैं। कुछ गाइडलाइंस जो है वो हमारे साथ सेट करके गए थे, उन्होंने कहा था कि देखो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो चीज डाल रहे हो अंदर वो बता के डालो, बेशक वो मट्टी हो, सोना हो, जो भी हो, आप बता दो, ये चीज इसमें डाल के दे रहे हैं। मैं दही ऐड करूंगी इसमें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई में अगर दही ऐड करें तो मुझे अच्छा। कढ़ाई बनाने का भी हर किसी का एक अलग स्टाइल है, सही है। कढ़ाई एक तरह से हर जगह नहीं बनती है, आप जहाँ भी चले जाएं, ये मेरे पास छोटा स्पून है, कोई बात नहीं, 2 टेबल स्पून, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना दही इसके अंदर, 2 टेबल स्पून। और अब हम इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी डन है, चिकन क्या है, बात कर रही है, जाती है, बस बिल्कुल डन है, टाइम ही नहीं लगा, जल्दी बन गई है, बस हमने टमाटर को, इसको चिकन था ना, फौरन गल जाता है।
और ये हमारे पास ग्रीन चिलीज हैं, थोड़ी सी दरमियानी वाली मैंने ली हुई है वो मैं ऐड कर दूंगी। और मैंने देखिए जजा का मैंने यहाँ पर फ्राइड अनियन इसलिए रखा है साइड में, बहुत सारे लोग होते हैं घरों में कि कढ़ाई में हमें ग्रेवी चाहिए, होते हैं ना, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। लेकिन ये तो आप हाईवे में भी चले जो एंड में वो होता ही है कि यार थोड़ी सी ग्रेवी और लेकर आ जाओ, क्योंकि वो ड्राई लग रहा होता है। लेकिन कढ़ाई जो होती है वो ग्रेवी के बगैर ही अच्छी लगती है। लेकिन मेरे जैसे लोग या हम जैसे लोग नहीं भाई, हमारे बच्चे भी है, कढ़ाई से डायरेक्ट खाते हो या मुझे तो कढ़ाई से खाने में मजा आता है, जो असल अंदर लगी हुई होती है ना वो बेस्ट तरीके का होता है। मैं भूल गई अभी आप हाईवे लेके जाओगे तो याद है मैं कैसे खाती थी, अब पता लगे कैसे खिलाते हैं ना। अच्छा ग्रेवी की जहाँ बात हो रही थी, मेरे पास फ्राइड अनियन है, मैं वो ऐड करूंगी। इसकी खास बात है कि फौरन से गल जाता है और फौरन से ये मिक्स होके बन जाता है, तो ये जबरदस्त सी चीज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के लिए जिनको ग्रेवी चाहिए। और ये बहुत ही फाइन है, अच्छी बहुत कमाल का है, बहुत क्रिस्पी भी है, फाइन भी है। बस हमारा ऑलमोस्ट ये डन है और हम इसे अपने बॉल में, इसको कढ़ाई बॉल जो मेरे पास है मैं इसको लेती हूँ, उसको हम फाइनल टच देते हैं, इसको निकालते हैं और ग्रेवी जैसे मैंने आपको बताया, ये तो ऑलरेडी मुंह में पानी आ गया, पानी आ रहा है, अरोमा बता रहा है कि ये बस फातिमा हमारा रेडी हो चुका है, ये रहा हमारा बोल। वाओ ये देखिए कलर, ये क्या जबरदस्त कलर है, वाओ हम इसको निकाल लेते हैं, कलर कितना जबरदस्त सा है, जबरदस्त ग्रेवी वही वाली जो लोगों को चाहिए ना, बच्चों को चाहिए, बड़ों को चाहिए। हम इसे गार्निश करते हैं, मैंने अदरक के साथ किया इसको और अब मैं हरा धनिया और ये लेमन के मैंने यहाँ पे क्यूब्स काटे हुए हैं और ये हमारी देखिए हाली स्टाइल कोयला कढ़ाई जो तैयार है और इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं। बातें बातों में जो है कढ़ाई रेडी हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई, बातों बातों में हम खा लेंगे। अब क्या कर रहे हैं तैमूर? मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारे साथ एक स्वीट सा कपल है तो उसके बाद हम अपनी स्वीट डिश बनाते हैं। अच्छा आज के हमारे ये पूरा एपिसोड इसमें कंपटीशन ही चल रहा है, यहाँ से हमारी कढ़ाई आ गई कंपटीशन में, स्वीट कपल स्वीट डिश आ गई। तुम क्या बना रहे हैं मीठे में? हम मीठे में बना रहे हैं जजा की, हम बना रहे हैं यहाँ पर पिस्ता खीर मिक्स। आपने खीर मिक्स खाई होगी और फिर आप सोचते हैं कि यार पिस्ता खीर मिक्स बना, इतने सारे पिस्ता कहाँ से लाए, तो भाई आपका ये तो मसला सॉल्व हो गया ना। वैसे बातों बातों में पता नहीं लगता, आसान कुछ होता नहीं है, लेकिन हम बातें इतनी करते हैं कि चीजें आसान हो जाती है। मिल्क ले लिया 1 लीटर मेरे पास अब मिल्क है, मैंने इसको बॉईल करना है। अच्छा मिल्क थोड़ा सा मैंने पहले भी गर्म कर लिया था लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ऐड किया है और इसमें बहुत ही आसान तरीका है, बस हमने इस पैकेट को मैंने खोल लिया था और हमने इसके अंदर पैकेट को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, बस ऐड कर देना है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। सिर्फ जस्ट हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और इसको हमने थोड़ा चेक करते रहना है क्योंकि इसके अंदर राइस है, दूसरी भी चीज़ें हैं बहुत सारी, बादाम है, पिस्ता ज्यादा है उसके अंदर। चलिए आप लोग वेट करें, मैं आता हूं। मैं 5 मिनट में आता हूं। कैसे कैसे वेट कर सकते हैं? जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ऑर्डर करना है इतने मजे मजे की पिस्ता खीर, कोयला कढ़ाई या बहुत सारे हमारे फूड आइटम, तो क्या करेंगे वो? पर हमने बहुत आसानी की हुई है, हमारा एक बहुत इजी वेबसाइट है order.jazaglobal.com, उस पर आप जाएं, ये सारी आपको रेसिपीज क्विक एंड ईजी जो है मिल जाएंगी। हमारे बहुत सारे अब तो यूट्यूब पे जो है क्विक कुक्स भी है जिसमें आप जाएं और रेसिपी आपको अगर फौरन चाहिए तो पूरी हमारी जितनी लिस्ट है ऑफ ऑल आवर रेसिपीज वो सारी आपको वहां पे मिल जाएगी। जबरदस्त, हमारे कुकिंग शो में बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि ये कपल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले मुलाकात होती रहती है ना तो ऐसा लगता है घर ही हमारे घर वाला ऐसा ही है। आज की हमारी दोनों रेसिपी यहाँ पे कम्प्लीट होती है, मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया और अभी ये भी मजा आएगा। बस बिल्कुल हम लोग खाते हैं, अभी लगाते हैं, टेबल लगाते हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गपशप लगाकर, मजा आया और ये रेसिपी भी सीखी, बहुत अच्छा लगा, मैं ट्राई करूंगी जरूर इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम आपको बुलाएंगे तो आप प्रॉमिस करके जाएंगे आप जरूर, हाईवे के ट्रिप्स जो है हाईवे के ट्रिप्स अब ज्यादा कैंसिल होना शुरू हो गए बहुत दूर है। तो जी जनाब आपने बहुत इंजॉय किया होगा और हमने तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया, फूड इंजॉय करेंगे, चले देखते रहिए इंशाल्लाह, मिलते हैं कौन से कपल के साथ, कौन से सेलिब्रिटी के साथ, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।